Namaste welcome to Department of Education my name is Kamal Thakur assistant professor of geography at Jyoti Vidyapit Women University Jaipur so in this session we are going to study about pedagogy of geography our topic is teaching learning resources in this we are going to discuss what is pedagogy of geography human as a resource the significance of oral data primary and secondary data okay so what are the resources learning resources what what are the equipment solar elements that we are going to discuss in the subject okay so <coughs> first of all we need data we need resource to understand the things okay so what are the resources that we can use in the study of geography that we are going to study okay so sources are two types of sources there ओके प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं जो हम डायरेक्ट uh, इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट करते हैं ठीक है uh, और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं जो पहले प्री रिकॉर्ड या पहले किसी डाटा uh, बुक में या किसी चीज़ में रिकॉर्डेड होते हैं वहाँ से हम उन uh, सोर्सेज uh, अपने डाटा को लेते हैं ठीक है दैट इज सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड रॉ इन्फॉर्मेशन एंड फर्स्ट हैंड एविडेंस ठीक है एग्जाम्पल इंक्लूड इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट स्टेटिस्टिकल डाटा एंड वॉक्स ऑफ आर्ट अ प्राइमरी सोर्स गिव यू डायरेक्ट एक्सेस टू सब्जेक्ट ऑफ योर रिसर्च ओके दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है प्रोवाइड सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन एंड कमेंट्री फ्रॉम अदर रिसर्चर्स किसी और ने रिसर्च किया है वहाँ से हमने डाटा लिया किसी बुक से डाटा लिया हमने किसी मैगजीन से डाटा लिया ये चीज़ें क्या होगी मतलब पहले रिकॉर्ड किया गया हो और उसको हम यूज़ कर रहे हैं दोबारा जो प्राइमरी होता है उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है वो रॉ होता है ठीक है दैट इज़ प्राइमरी सो ये आपका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज से आपका प्राइमरी डाटा मिलेगा सेकेंडरी सोर्सेज आपका सेकेंडरी डाटा मिलेगा ठीक है अब प्राइमरी सोर्सेज एनी थिंग डैट दैट गिव्स यू डायरेक्ट एविडेंस अबाउट द पीपल इवेंट्स एंड और फिनमिना देट यू आर रिसर्चिंग प्राइमरी सोर्स विल यूजली बी द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर एनालिसिस ठीक है प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं जो आपके मेन uh, ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके कोई भी एनालिसिस करते हैं आप कोई भी स्टडी करते हैं उसका मेन एनालिसिस जो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट डाटा से होता है ठीक है इफ़ यू आर रिसर्चिंग द पास्ट यू कैन नॉट डायरेक्ट एक्सेस इट योर अगर आप पास्ट को रिसर्च करना चाहते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ हुई है हिस्ट्री में क्या चीज़ हुई है आप उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते प्राइमरी सोर्स नहीं ले सकते ठीक है पास्ट में क्या हो, वो हो गया ठीक है थीके? सो यू नीड प्राइमरी सोर्सेज दैट वर प्रोड्यूस एट दैट टाइम पार्टिसिपेंट और विटनेस लेटर प्रोटोग्राफ़र्स सो जो उस चीज़ को विटनेस किया हो गया होगा किसी के द्वारा तो वो चीज़ है आपको वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ओके दैट इज़ इन द प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स एनी थिंग दैट डिस्क्राइब्स इंटरप्रेट इवेल्युट एंड एनालाइज इंफॉमेसन फ्राम प्राइमरी सोर्सेज कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड बुक्स आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज दैट सिंथिसाइज इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक ठीक है बुक्स होती है आर्टिकल्स होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज होती है, है ये क्या है यह, इन इनमें इंफॉमेशन जो होती है इकट्ठी की गई होती है किसी रिसर्चर के द्वारा किसी बुक राइटर के द्वारा ठीक है उसको वहाँ पर इकट्ठा करके उसको मर्ज करके उसको कलेक्ट करके डिफरेंट सोर्सेज से उसको आ, उसमें ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सोर्स ठीक है साइन ऑप्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्टिक आर्टिस्ट वर्क इन साइक्लोपीडियाज टेक्स बुक्स जो होगी आपकी रिव्यूज एंड एसेज इवेल्यूट इंटरवर्ट ये आपके क्या हो गए सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हो गए ठीक है इंस्ट्रक्शनल मैथड इन टीचिंग जोग्राफी यूनिट स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट क्या है आपका इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इन टीचिंग जोग्राफी यूनिट स्ट्रक्चर ठीक है अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती टेक्स्ट बुक आ गई वर्क बुक्स गाइड बुक्स टीचिंग एड्स में आपका आ गया मैप्स ग्लोब्स आटल्स रिलीफ मैप चार्ट्स पिक्चर स्लाइड्स ओवरहेड प्रोजेक्टर फिल्म स्ट्रिप्स ऑडियो रेडियो टेप रिकॉर्डर ऑडियो विजुअल एड्स ये सारी चीज़ें क्या आगे आपकी इंस्ट्रक्शनल मैटेल्स में आ गई ठीक है इनसे आप जो है एक हेल्प uh, ले सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ Teaching of geography. Okay? So, this is it for the session. It was the uh, uh, data that we use in the studying of geography. Okay, primary data, hota hai? secondary data. Hota hai? Humne study kiya. This will be we are going to study in the next further lecture. Okay. Thank you. If you are having any query, any question in your mind, you can free, freely ask in the comment section.